क्या हाल है सब भाइयों के। आज तुम्हारा भाई वर्ना लेके आ गया 1.5 टर्बो इंजन के साथ, और ये है ब्लैक कलर में। एक गैंगस्टर लाइफ अगर आपको इमेजिन करनी है तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। बेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पता है ना खुश क्यों हो रहा हूँ, मैंने जब इसका स्टेयरिंग चलाया ना भाई, अभी कसम से पानी जैसे कहते हैं ना पानी, वो है इसका स्टेयरिंग, बिल्कुल पानी स्टेयरिंग है। मतलब मैं क्रेटा का लास्ट वीडियो मैंने डाली होगी, आपने देखी होगी, उसका कुछ नहीं है इसके सामने। मतलब मैं अभी थार चला के आया हूँ अपनी, और जब मैं इसमें बैठा ना भाई, पानी मतलब कहीं से भी निकाल लो गाड़ी को, ऐसी गाड़ी है तगड़ी बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भाई कर दो, कुछ नहीं होता, एक बटन आपको टैप करना है, कर दो भाई जान कर दो। मेरे सामने खड़ा है ये टर्बो 1.5 पेट्रोल इंजन, ये CVT खड़ा है। ठीक है, तो दोनों गाड़ियाँ टॉप मॉडल हैं। मैं कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं कर रहा, मैं खास इस गाड़ी पे वीडियो बनाने वाला हूँ आज 1.5 टर्बो इंजन पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कीज़ मिल जाती हैं, कीज़ को देखें अगर हम सही से, तो वही सारे ऑप्शन है जो आते हैं। ठीक है, लॉक अनलॉक होल्ड और ये पीछे बूट का। ठीक है, तो भैया इसमें मिल जाता है हमें 4 पार्किंग सेंसर, जैसे कि आप देख सकते हो। आगे की ग्रिल की बात करी जाए, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, जिस तरह के इसके ये स्कर्टिंग्स टाइप निकले हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कूल और स्पोर्टी लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को। बाकी आगे का ये कनेक्टिंग DRL है। ठीक है, इसमें LEDs मिल जाती हैं हमें, और ये आपका इंडिकेटर्स है। ठीक है, और देखा जाए तो इसका जो लुक है ना यार, पिछली वाली से अब में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ किसी को पसंद आया, पर रात में ये जो लाइट का इसका लुक है वो आउटस्टैंडिंग लगता है। अगर मैं साइड की बात करूं तो जो उसका स्पोर्टी और ये एलॉय व्हील और इन्होंने दिया ना कनेक्शन रेड, ये जो इन्होंने स्प्रे कराई, जो हम बाहर से करवाते हैं स्पोर्टी लुक के लिए, तो इसमें पहली से हो के आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी को पता है कि कस्टमर की नीड क्या है। कि अगर हम स्पोर्ट्स की स्पोर्टी गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो उनको पता है कि यार इनको क्या चीज़ पसंद आने वाली है। ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है चीज़ों को देखा जाए। अब जैसे कि इसमें DCT का बैजिंग दे रखा है साइड में। ठीक है, इसके मिरर्स की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत ज़्यादा कर्वी, और एज जो इन्होंने एजेस दे रखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है, साइड डोर्स की हैंडल्स की बात करी जाए तो क्रोम हैंडल दे रखे हैं, क्रोम इन्होंने पूरा फिनिशिंग दे रखा है गाड़ी पे, और ब्लैक पे क्रोम का जो लुक आ रहा है वो अलग ही आ रहा है। इसके टायर्स की बात करी जाए तो ये हमें मिल जाते हैं अपोलो के टायर्स, जो के हैं 205/55R16, मतलब 16 इंची के टायर्स हैं इसके। ठीक है, और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, मतलब ये रोड पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो रेड स्प्रे वाला सीन होता है ना, ये ब्रेक शो वाला बहुत अलग होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग अलग ही है, मतलब इसका हिसाब किताब। ठीक है, अब हम इसके साइड में जाएँ और इसका मैं दूर से लुक दिखाऊँ, देख रहे हो, मतलब खतरनाक, जैसे कहते हैं ना खतरनाक, वो चीज़ है इसके साइड के लुक की। तो भाई इस तरह का कुछ इंजन आ जाता है इसका, जिसमें लिखा हुआ है टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम G, जो कि टर्बो इंजन खुद ही बता रहा है, मैं टर्बो इंजन हूँ। बाकी ये पूरा आपका इंजन का हिसाब किताब है, आप सही से देख लो इस चीज़ को, तो ये चीज़ है। तो इसकी बूट स्पेस की बात करी जाए तो पन्नू भाई, अरे यार पन्नू भाई अंदर, तुम यार हर गाड़ी में लेट जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है, बढ़िया स्पेस है। मैं सोच रहा हूँ सुहागरात का बैठे ही चालू। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। यार गंदी बात है, फिर गंदी बात है। तो बूट स्पेस की मैं बात करूं तो अच्छा खासा बूट स्पेस है, जैसा आप देख सकते हो पन्नू भाई भी इसमें लेटे हुए थे, तो यही है बस। बाकी इसके अंदर यार बोस के जैसे क्रेटा में देते हैं स्पीकर्स, वो नहीं है। बाकी इसमें ऊपर है ट्रे के अंदर स्पीकर्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, 2 स्पीकर्स ट्रे के अंदर दे रखे हैं। बाकी बूट स्पेस बहुत आउटस्टैंडिंग है इसका। कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है हमें, 1.5 टर्बो का हमें बैजिंग मिल जाता है इसके ऊपर। बाकी यार ब्लैक कार है, केयर तो बनती है, ऐसे कोई एग्जॉस्ट नहीं है जो इसमें विजिबल हो, दिखे नीचे, जैसे हमें एन लाइन में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो भाई अंदर घुसने से पहले हम कुछ बाहर की बातें कर लें। इसमें मिल जाता है हमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, और वही है इसका हिसाब भी आगे पीछे इससे, बाकी इससे हम सीट अप एंड डाउन कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो फर्स्ट लुक जो आ जाती है बैठने के बाद, इसमें जो 2 स्क्रीन्स अलग अलग दे रखी है पार्टीशन में, वैसे ये एक भी कर सकते हैं तो और अच्छी लगती, पर चलो ये जो 2 स्क्रीन्स हैं ये अलग ही लग रही हैं। अब कर लेते हैं चलिए गेट बंद, फिर बात करते हैं बैठ के अंदर की। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करने का टाइम आ गया, कीज़ हम रख देते हैं यहाँ पर और गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट।
तो यार इसका स्टेयरिंग कुछ अलग ही लेवल का बनाया है इन्होंने, ठीक है, जिसमें कोई भी बीच में कोई डंडा कनेक्टिंग नहीं है, तो वो चीज़ है। बाकी यार स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे इसका। बाकी इसमें पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ मिल जाता है आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो कि मैं आपको दिखा पाऊँगा। हाँ ये रहा पूरा हिसाब किताब। बाकी यहाँ पे हमारी वरना दी जाती है, और ये जो इंडिकेशन है ये बूट का है, तो वो चीज़ है। और साइड की अगर बात करी जाऊँ तो यहाँ पे हमें पावर विंडोज़ का मिल जाता है, ये हमें मिरर का मिल जाता है, तो मिरर को हम क्यूट ये एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से पूरा, ठीक है। क्रोम हमें फिनिशिंग मिल जाती है, पूरा इंटीरियर ब्लैक मिलेगा इसका, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमें एडास मिल जाता है पूरा, और ये अपना वॉल्यूम मोड वोड वही जो सब कुछ होता है वही सब चीज़ें, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अब तो सब पता है सबको भाई, सब समझदार हो गए, ठीक है। तो ये हमें रेड और ब्लैक का इसमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है, क्योंकि इसमें थीम ही रेड ब्लैक की है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें हमें एयर बैग्स मिल जाते हैं, जो कि अब हर गाड़ी में होते ही हैं। यहाँ मिल जाता है हमें स्पीकर, ये मिल जाता है ऑटो डिमर, हमें एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब, ये मिल जाती है सनरूफ। तो सनरूफ हम खोलते हैं, देखते हैं कि पन्नू भाई बड़े खुश होते हुए, पन्नू भाई के बाद भी वरना है पुराना वाला मॉडल, तो पन्नू भाई क्या लगता है तुम्हें लेनी चाहिए ये गाड़ी? अच्छी गाड़ी है। अभी बात करते हैं आपसे इस बारे में, लेकिन हम चलिए। तो अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे एसी का हिसाब किताब है, जो कि टच है, ठीक है, ये पूरा टच का हिसाब किताब है। अब यार मुझे गाने यहाँ से नहीं चेंज करने, मुझे गाने यहीं से चेंज करना है, मैं क्यों यहाँ जाऊँ, मुझे नहीं जाना यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँ म्यूजिक व्यूजिक में जाऊँ, तो मुझे यहाँ से नहीं करना, मुझे यहीं से करना है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है ये बटन। आपने ये बटन दबाया, यहाँ पे अब आ गया आपका पूरा सिस्टम का ट्रैक रेडियो मीडिया, और ये फिर बन जाता है वॉल्यूम का हिसाब किताब, ठीक है। और इसको वापस दबा देते हैं, फिर ये आ जाता है टेम्परेचर का हिसाब किताब, ठीक है, ये फैन स्पीड। और यही बटन दोबारा दबा दूँ फिर वही वाली चीज़ आती है ट्यूनर व्यूनर वाली, ठीक है। ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं कूलिंग के लिए, ये है, और ये वार्म वार्म अगर आपको हीटिंग चाहिए तो उसके लिए ये है, ठीक है। बाकी एसी में आपको वही ऑप्शन सारे मिल जाते हैं, ऑटो पे आपको थ्री मोड्स मिल जाते हैं, थ्री स्पीड मिल जाती है ऑटो पे भी, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं लो पे, ठीक है, तो ये वाली सीन है। बाकी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं तीन सीट बेल्ट के इंडिकेशन, जो कि पीछे वाली सीट्स के हैं, ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। अब बात करते हैं इस चीज़ की, यहाँ में मिल जाते हैं दो कप होल्डर्स। तो यार भाई इसमें जो पुश बटन है इसको आप दबाते हो तो भाई साहब ये आ जाता है कप होल्डर आपका प्रॉपर, ठीक है। और अगर आपको इसको बड़ा करना है, मतलब अपने हैंड रेस्ट को और इस सामान रखने के लिए, तो आप इसको निकाल भी सकते हो ट्रे को, और ये बड़ा हो जाएगा फिर स्पेस, इसमें आप कुछ भी रखो जितना मर्जी वो रखो, तो वो वाले सारे मसले हैं। बाकी इसको अब कर देंगे बंद। तो भैया वायरलेस चार्जर में इसका ये हिसाब किताब, अगर गाड़ी लॉक पे है तभी वायरलेस चार्जर काम करेगा वरना नहीं करेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। वेंटिलेटेड सीट्स का है, बाकी यहाँ पे सी टाइप मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, ये 12 वोल्ट का है वो मिल जाता है चार्जर लगाने के लिए, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल चार्जर लगाना है तो उसका हिसाब किताब है। बाकी ये पार्किंग के लिए हो गया, ये आपका ऑटो होल्ड है, ये हैंड ब्रेक वाला सीन होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करने वाला था मैं आपसे, बहुत ज़रूरी, वो थी ये जो पी आप देख रहे हो ना, ये आगे के सेंसर्स बंद करने के लिए होता है, जो आगे हमारे पार्किंग सेंसर है ना उसके लिए, क्योंकि वरना वो बीप बीप और आपको इंडिकेट करता रहता है कोई आगे पीछे। अब ये यहाँ की जो रोड्स हैं दिल्ली की, यहाँ तो सारी गाड़ी चिपक के चलती हैं, तो उसके लिए बहुत काम आता है ये, क्योंकि इरीटेशन होती है उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा। बाकी इसके हैंडल बड़े कूल हैं, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल हैंडल्स हैं, अच्छे हैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपना है। बाकी यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, और पीछे भी दो और आगे दो, और एक ये डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो पूरा अपना ये है, और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। और बाकी सीट की मैं बात करूँ तो सीट कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखाता हूँ सही से सीट किस तरह की है। बाकी पन्नू भाई पीछे बैठे हुए हैं, पन्नू भाई स्पेस कैसा है पीछे? ज़्यादा लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस है। पन्नू भाई पूरे पसीने में तर बतर हो रहे हैं इसी चलने के बाद भी, क्योंकि पन्नू भाई को बीमारी है कुछ। पता नहीं क्या बीमारी है, पन्नू भाई बता सकते हैं। काफी ज्यादा स्पेस है, और सबसे बढ़िया मुझे चीज लगी पाद भाई, आप बच्चों को बिठा के बीच में भी ला सकते हो, तीन सीट बेल्ट मिल जाती है, मतलब आपका कहने का मतलब बहुत है। बाकी एक हैंड रेस्ट भी है पन्नू भाई के हाथ के पीछे, पन्नू भाई ने देखा नहीं है। अगर आप पन्नी हटाओगे पन्नू भाई तो दिखाओ, नीचे से खींचो पन्नी को ऊपर जी। और यहाँ पर ग्लास का सीट है भाई, दो होल्डर है। बाकी पीछे खड़ी हमारी थार, उसके भी कभी वीडियो बनाएंगे यार टाइम मिलेगा तो। पन्नू भाई बिल्कुल यार, वो तो अपनी है, ये भी अपनी है, ये भी अपनी है। चलो ठीक है।
तो हम इसमें शेड्स नहीं है कोई, जैसे हमारा सन शेड्स आते हैं इसमें नहीं है, पर अगर पीछे देखा जाए तो पीछे शेड्स लगे हुए हैं जो हम अपना पीछे अटका सकते हैं, पीछे थोड़ा अपना विजिबिलिटी कम करने के लिए। और पीछे की बात करी जाए तो दो हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं और दो सी टाइप केबल वाले पोर्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ अपना सीन है पूरा। बाकी तीन सीट बेल्ट मिल जाती है, इसका इंडिकेटर आगे मिलता है इंडिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। X showroom price in New Delhi is 20 lakhs and 13,000. City mileage is 11 km per liter. इसका स्टेरिंग यार इतना स्मूथ लगा ना मुझे, हद से ज्यादा स्मूथ लगा इसका स्टेरिंग। उसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है, हद से ज्यादा स्मूथ है। मतलब मैं कंपेयर करूंगी इसकी कंपनी की और गाड़ियों से तो ये सबसे बेस्ट लगी मुझे ड्राइविंग वाइज। मतलब इसमें बैठने के बाद अलग ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चीजों को लेकर के कहीं से भी निकल जाएगी।